subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवन जीने की कला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं चक्रवात की, कि आखिर ये चक्रवात होता क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और अभी कल ही फोनी चक्रवात ने उड़ीसा में कहर बरपाया है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चक्रवात आते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, कहाँ से बनते हैं और इनका ये नाम कैसे पड़ता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर चक्रवाती तूफान होता क्या है। चक्रवाती तूफान समुद्री तूफान को कहते हैं। ये जो समुद्री हवाएं होती हैं, जब ये बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं, तो इन्हें ही चक्रवात नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इन चक्रवाती तूफानों का उद्गम स्थल क्या है। भूमध्य रेखा के नजदीकी अपेक्षाकृत गुनगुने समुद्र, जहाँ का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, इन चक्रवातों का उद्गम स्थल होता है। इसमें समुद्र के ऊपर की हवा सूर्य से ऊष्मा लेकर गर्म होती है और तेजी से ऊपर उठने लगती है। जब हवा की गति अत्यधिक तेज हो जाती है तो बहुत विशाल मात्रा में हवा घूम घूम कर नाचने वाले की तरह घूर्णन करती हुई एक बड़ा घेरा बनाने लगती है। इसे ही चक्रवाती तूफान कहते हैं। यह कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से पैदा होता है, जिसका संबंध पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूर्णन से है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन तूफानों के नाम कैसे तय होते हैं। जैसे कभी इन तूफानों को तितली नाम दिया जाता है, तो कभी सुनामी, तो कभी फोनी। आखिर ये नाम बनते कैसे हैं? सबसे पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवातों के नाम रखने की शुरुआत की। वहीं भारत में तूफानों का नाम देने का चलन 2004 से शुरू हुआ। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड और ओमान भी तूफानों का नाम देने का फॉर्मूला तैयार करते हैं। इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसी क्रम के अनुसार चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बात हमारी कि इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं और ये तूफान बनता कैसे है। अब हम बात करते हैं कल आए हुए फोनी तूफान के बारे में। फोनी हमारा 20 साल बाद आने वाला ऐसा पहला भीषण चक्रवाती तूफान है, जिसने उड़ीसा के लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। उड़ीसा में इसने कहर बरपा दिया है। भारी बारिश और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रचंड हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान फोनी ने शुक्रवार को सुबह उड़ीसा तट पर दस्तक दी। तूफान से बहुत कुछ तबाह हो गया। पहले से मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के कारण 11 तटीय जिलों के निचले एवं संवेदनशील इलाकों से करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटा दिया गया। अब बात करते हैं आखिर इस फोनी नाम का मतलब क्या है और इसको दिया किसने। जिस क्षेत्र में तूफान का खतरा पैदा होता है, उसी जगह का मौसम विभाग तूफान का नाम रखता है। फोनी नाम बांग्लादेश द्वारा रखा गया है। फोनी का मतलब सांप होता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात IMD के अधिकारियों ने बताया कि 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद यह पहली बार है जब इतना भीषण तूफान आया। 1999 में आए सुपर साइक्लोन में 10,000 लोगों की जान चली गई थी। उस तूफान की रफ्तार 270 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। अर्थात इस बार आए फोनी तूफान से कहीं अत्यधिक प्रचंड था वह। पिछले साल 2018 में बंगाल की खाड़ी से चले तूफान को तितली नाम दिया गया। यह नाम पाकिस्तान ने दिया था। दोस्तों, कल आए फोनी तूफान ने उड़ीसा में बहुत ही भयंकर तबाही मचाई। वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहले से मिली जानकारी के अनुसार बहुत से लोगों की जिंदगी तो बचा ली गई, लेकिन उनके घर उजड़ गए। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इस
तूफान से उड़ीसा के मंदिर भी बचे नहीं, उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, ये रही फोनी के बारे में कुछ जानकारियां और चक्रवाती तूफान से रिलेटेड कुछ जानकारियां जो हमें जानना जरूरी था कि आखिर ये चक्रवात बनते कैसे हैं, क्यों आते हैं। क्योंकि जब जब ये ऐसे तूफान आते हैं, हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये आया क्यों, आखिर ये आता क्यों है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिला होगा चक्रवाती तूफान के बारे में। अपनी राय और सुझाव हमें जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।